मित्रों, आज हम विज्ञापन की महत्व क्या है, उसके लाभ क्या हैं या उसके उपादेयता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उत्पादक या निर्माताओं का लाभ। विज्ञापन से उत्पादक और निर्माता को क्या लाभ है? सबसे पहले है मांग में वृद्धि। विज्ञापन द्वारा निर्माताओं या उत्पादकों को लाभ ये है कि उनके द्वारा उत्पादों की मांग में वृद्धि करने में सहायक है। निरंतर विज्ञापन करने से मांग वृद्धि होती रहती है। ये ग्राहकों में उत्पादन के प्रति इच्छा जागृत करके इच्छाओं को आवश्यकताओं में परिणित करता है। इसके बाद है उत्पादन में वृद्धि। विज्ञापन भारी उत्पादन का कारण का परिणाम है। मांग में वृद्धि होने के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होती है। विज्ञापन जब मांग में वृद्धि कर सकता है तो उत्पादन में वृद्धि होना स्वाभाविक है। नई नई वस्तुओं का निर्माण। विज्ञापन ग्राहकों की पुरानी आदतों पर नई नई वस्तुएं प्रदान कर नियंत्रण कर लेता है। अतः विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों में नए नए उत्पादों का विक्रय सरल हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादकों को नए नए उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता रहता है। प्रति इकाई लागत में कमी। उत्पादन के द्वारा विज्ञापन की मांग में वृद्धि होती है। मांग में जब वृद्धि होती है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है, और बड़े पैमाने पर जब उत्पादन संभव होता है तो प्रति इकाई लागत कम आती है। आर्थिक लाभ या अधिक लाभ। विज्ञापन से विक्रय वृद्धि पर कुल लाभों में वृद्धि की जा सकती है। व्यापारी कम मूल्य पर अधिक माल का विक्रय करके अधिक लाभ कमा लेते हैं। इसके बाद है वितरण में मितव्ययिता। वितरण में विज्ञापन का उतना ही महत्व है जितना कि उत्पादन में एकत्रीकरण का। विज्ञापन से वितरण में काफ़ी मितव्ययिता लाई जा सकती है। विक्रयकर्ता को नियुक्त करके माल की विक्रय वृद्धि का प्रयास किया जाता है, किंतु यह साधन अधिक महंगा पड़ता है। इसके अतिरिक्त विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति से अनेक समस्याओं को जन्म भी हो सकता है। इस प्रकार विज्ञापन अन्य साधनों की तुलना में अधिक मितव्ययी साधन है। इसके बाद उत्पादों में परिवर्तनों की सूचना। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में प्रत्येक निर्माता समय समय पर अपने उत्पादों में परिवर्तन एवं सुधार करता रहता है। जनता इन परिवर्तनों एवं सुधारों की शीघ्र अवगत कराना पड़ता है। इस हेतु विज्ञापन को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। विक्रयकर्ताओं की कोई सहायता। विज्ञापन विक्रयकर्ताओं के लिए मार्ग तैयार करता है। विज्ञापन संस्था के विक्रयकर्ताओं को उनके विक्रय में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने का साहस प्रदान करता है। कभी कभी तो विज्ञापन से विक्रयकर्ताओं को इतनी सहायता मिल जाती है कि उसे आदेश दिखते हैं के अलावा और कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता है। इसके बाद है अच्छे वितरण माध्यमों की रुचि एवं उपलब्धि। विज्ञापन करने वाली संस्थाओं के प्रति वितरण माध्यमों थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारियों की रुचि बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि पूर्णतः विज्ञापित वस्तुओं की मांग में तीव्र गति से बढ़ती है। अतः वितरण माध्यम अथवा मध्यस्थ स्वयं इन उत्पादों के विक्रय में रुचि लेने लगते हैं। ऐसे विज्ञापित उत्पादों के लिए कम प्रतिफल कमीशन लाभ पर भी मध्यस्थ उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद है उत्पादों की मांग में मौसमी उतार चढ़ाव में कमी। विज्ञापन से उत्पादों की सदैव मांग बनाई रखी जा सकती है। लगातार विज्ञापन से उत्पादों का नाम लोगों के मन मस्तिष्क से हटता नहीं है, फलते हुए बेहिसाब ही मौसमी वस्तुओं का उत्पादन उपभोग करते रहते हैं। फलते बेमौसम की अवधि में भी मौसमी वस्तुओं की कुछ न कुछ मांग बनी रहती है। उनकी मांग पूर्णतः समाप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है आदि ऐसे ही उत्पाद हैं जिनके विज्ञापन निरंतर विज्ञापनों के कारण उनकी मांग भरपूर सर्दी के दिनों में भी पूर्णतः समाप्त नहीं होती। इसके बाद एक ख्याति में वृद्धि। एक अच्छा विज्ञापन संस्था के उत्पादों ब्रांड की ख्याति में वृद्धि कर देते हैं। आज कई संस्थाएं विज्ञापन द्वारा ख्याति अर्जित कर सकती हैं, जैसे टाटा, बजाज, गोदरेज, रेमंड्स आदि। इसके बाद है मध्यस्थों की अधिक रुचि। विज्ञापन करने से थोक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियों को माल के विक्रय में भी अधिक रुचि हो जाती है। इसका कारण यह है कि मध्यस्थों को विज्ञापित उत्पादों के विक्रय में इतना अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसके बाद है आधुनिक मशीनों एवं तकनीकों का प्रयोग संभव। विज्ञापन के प्रयोग से दीर्घ स्तरीय उत्पादन संभव हो पाता है। इस कारण आधुनिक मशीनों का प्रयोग संभव हो पाता है। नई नई उत्पादन तकनीकों की खोज की जा सकती है और उनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद है मूल्यों में स्थिरीकरण। विज्ञापन से उत्पादन की निरंतर समान मांग बनी रहती है, अतः मूल्यों में कमी या वृद्धि नहीं हो पाती। इससे ग्राहकों को संस्था के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। इसके बाद है विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन। विज्ञापन विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन है। यदि विक्रयकर्ता नियुक्त किए जाएँ तो संभवतः काफ़ी खर्चा हो जाए, लेकिन विज्ञापन में खर्चा बच जाता है।
इसके बाद है व्यवसाय का विस्तार एवं अभिवृद्धि। विज्ञापन संपूर्ण व्यवसाय के विस्तार एवं विकास में योगदान देता है। जब संस्था एवं संस्था के उत्पादों सेवाओं की ख्याति बन जाती है तो उनकी प्रति ग्राहकों की निष्ठा जन्म ले लेती है, तो संस्था के विक्रय में वृद्धि होना स्वाभाविक है। परिणाम स्वरूप संस्था का चहुमुखी विकास एवं विस्तार की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ये लाभ तो हुए उत्पादकों को या निर्माताओं को। इसके बाद उपभोक्ताओं को क्या लाभ है? उत्पादों की सूचना। विज्ञापन आनंद एवं क्रय तथा आनंददायी सूचना का साधन है। वास्तव में विज्ञापन जीवन में आनंद लेने एवं आनंददायी उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में अनेक सूचनाएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। ये उपभोक्ताओं को विभिन्न उत्पादों, उनके क्रय के स्रोतों, उनके मूल्य, गुणों, उपयोग आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाता है। इससे उपभोक्ता सही उत्पादन का चयन कर जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। इसके बाद है ग्राहक के समय की बचत। विज्ञापन ग्राहक के समय की बचत भी करता है। जब ग्राहकों को उत्पादन के स्रोत ज्ञात हो जाते हैं तो ग्राहक इधर उधर भटकता नहीं पड़ता और उनके समय की बचत होती है। इसके बाद है क्रय में सहायता। विज्ञापन ग्राहकों को उत्पादन के क्रय में सहायता प्रदान करता है। विज्ञापनों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उपभोक्ता सही समय पर सही किस्म की सही उत्पाद की सही मूल्य पर क्रय करने में सफल हो जाते हैं। इसलिए एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने लिखा है कि विज्ञापन लोगों को बुद्धिमत्तापूर्ण क्रय करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद है उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन। समान प्रकार के उत्पादों के विज्ञापन के आधार पर ग्राहक उन उत्पादों में तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है और ग्राहक अच्छे उत्पाद के क्रय का निर्णय कर बैठे बैठे विज्ञापन के माध्यम से कर सकता है। शिक्षाप्रद। विज्ञापन से सामान्य उपभोक्ताओं को कई शिक्षाएं भी प्राप्त होती है। उदाहरणतः कई कपड़े धोने के पाउडरों के विज्ञापन पर कपड़े धोने की विधि दिखी रहती है। चाय के विज्ञापन में चाय बनाने की विधि दिखी रहती है। इसी प्रकार कुछ दवाओं के प्रयोग के विज्ञापन दिए होते हैं। उनसे सबसे उपभोक्ताओं को शिक्षा प्राप्त होती है। उत्तम किस्म के उत्पादों की प्राप्ति। अतः व्यवसायी अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। सुधार एवं निरंतर प्रयास करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को उच्च किस्म के उत्पादों की मांग की प्राप्त होती है। इसके बाद है आवश्यक कर्तव्यों का स्मरण कराना। विज्ञापन हमें कई कर्तव्यों का स्मरण करवाते हैं। आवश्यक एक बैंक का विज्ञापन बचत की प्रवृत्ति का स्मरण करवाता है। एक बीमा कंपनी का विज्ञापन लोगों को परिवार के प्रति दायित्व को स्मरण करा देता है। कम मूल्य। विज्ञापन करने में व्यावसायिक संस्था को कुल विक्रय में वृद्धि होती है, जिससे प्रति इकाई लागत में कमी आती है। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहक को कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। जाली नकली उत्पादों से सुरक्षा। कुछ व्यवसायी जाली नकली उत्पादों के व्यापार में लग जाते हैं। ऐसे उत्पादों की किस्म घटिया होती है तथा वे उपभोक्ताओं के शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। असल उत्पादों के व्यापारी ऐसे उत्पादों के प्रति ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को विज्ञापन द्वारा जागरूक करते हैं। अतः सामान्य उपभोक्ता इनके दुष्प्रभावों से सुरक्षा पा जाते हैं। धारणाओं में परिवर्तन। कभी कभी ग्राहकों उपभोक्ताओं को कुछ उत्पादों के प्रति कुछ भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती है। इन उत्पादों के प्रति उनकी धारणा प्रतिकूल हो जाती है, फलते हुए उन उत्पादों का उपयोग छोड़ देते हैं। किंतु विज्ञापन से उनकी धारणाओं को ठीक किया जा सकता है। फलते हुए उन उत्पादों का उपयोग तथा उपभोग करके आनंद का प्राप्त कर सकते हैं। जीवन स्तर में सुधार। विज्ञापन नए नए उत्पादों की मनुष्य में इच्छा जागृत करता है और मनुष्य उन वस्तुओं का प्रयोग करके अपने जीवन स्तर में वृद्धि करता है।